चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और चाचा की सरदर्द बढ़ा दी है, टेंशन दे दिया है। जीतन राम मांझी और पशुपति पारस अब बहुत दिक्कत में है। ऐसा क्या कर दिया चिराग पासवान ने अचानक से कि एनडीए में ही खलबली मच गई है, सारी बात हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चिराग पासवान कल पटना आते हैं, पटना में जो सम्मेलन करते हैं वो सम्मेलन के बाद चाचा जीतन राम मांझी दोनों परेशान हैं। अति पिछड़ा सम्मेलन करते हैं चिराग पासवान, अति पिछड़ा सम्मेलन करने के बाद वहां भीड़ अच्छी खासी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होती है। अब समझिए कि जीतन राम मांझी के बेटे जुलाई में निकले थे 23 से 25 जुलाई को जनसंपर्क यात्रा में, अति पिछड़े लोग अपने जाति के लोगों से मिल रहे थे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता है। चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस जो कहते हैं कि पासवानों का असली नेता हम ही हैं, मगर कल जो भीड़ आई, कल जो हुआ उसके बाद चाचा टेंशन में और चाचा से ज्यादा टेंशन में आपको जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास क्या है, वही वोट बैंक, दलित वोट बैंक, और उस दलित वोट बैंक पे अगर हाथ मार रहे हैं चिराग पासवान तो टेंशन में तो आ जाना है जीतन राम मांझी को। और ये सारी चीज क्यों हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए सारे चीज के होने के पीछे का वजह कि एनडीए गठबंधन में पीएम मोदी और अमित शाह ने सबको एक एक करके शामिल तो करवा लिया, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, मगर अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। और सीट का बंटवारा किस बेसिस पे होगा कि किसका कितना जनाधार है। जीतन राम मांझी के पास दलित वोट बैंक है, अगर उसमें चिराग सेंधमारी कर देते हैं तो चिराग को ज्यादा सीट मिल जाएगी और जीतन राम मांझी का कट जाएगा। अब उस पर जीतन राम मांझी ज्यादा सीट कर देते हैं, सेंधमारी कर देते हैं तो चिराग का कट जाएगा, मगर चिराग कल आए और चाचा से पहले बाजी मार ले गए। बाजी चाचा भी प्लान ही कर रहे थे, चाचा मैदान में उतरने वाले हैं, चाचा कब मैदान में उतरेंगे वो अनाउंस भी हो जाएगा, मगर उससे पहले चिराग मैदान में उतर गए और चिराग ने ये काम किया। अब दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बेटा भी इससे पहले उतरे थे मैदान में, जनसंपर्क यात्रा कर रहे थे, लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अमित शाह और पीएम मोदी का सीधा आदेश है जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जाइए दिल्ली का दरबारी मत कीजिए, जाइए बिहार जाइए, अपने अपने लोगों से मिलिए, अपना जनाधार बढ़ाइए, आपका जनाधार ही आगे आपके लिए काम आएगा। एक तो आपका विरासत आगे कितना बढ़ेगा वो आपके जनाधार पर डिपेंड करता है, और आपको कितनी सीट मिलेगी वो भी आपके जनाधार पे काम करता है। अब इसी को लेकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन यात्रा पर निकले, अभी देखिए मुकेश सैनी भी यात्रा पर निकले हुए, उनका कहना है कि आरक्षण की मांग है उसको लेकर कर रहे हैं, मगर सब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें चिराग पासवान भी शामिल है, चिराग पासवान भी कल जिस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मेलन किया, जिसमें उनका कहना था कि सिर्फ पासवान नहीं जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो हमारे साथ आ जाए। अब जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और के चाचा पशुपति पारस सब यही कर रहे हैं। पशुपति पारस से पहले भतीजा बाजी मार ले गया, क्योंकि पशुपति पारस भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उनका भी कहना है कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे और हाजीपुर से लड़ेंगे और साथ में मेरे सिटिंग सांसदों के लिए मुझे सीट चाहिए। अब ये कितना पॉसिबल है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अभी जो वक्त बता रहा है वो ये कि एनडीए के ही अंदर नंबर वन बनने की होड़ लगी है। छोटी पार्टियों में ये होड़ है कि किसके पास कितना जनाधार है उसके लिए सब जान फूंक रहे हैं, मगर इसमें भला जनता का अभी कुछ महीने तो हो जाना है कि जनता के बीच में नेता जाएंगे, मगर नेता जी जब आए तो सवाल जरूर कीजिएगा, भावना में मत बहिएगा क्योंकि यही मौका है। बाकी वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद।